बहुत से लोग दूसरे लोगों को खुद को मिस करवाना चाहते हैं, पर उन्हें कुछ सीक्रेट पता ही नहीं होते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो अपनी साइड से कुछ जतन करते हैं, पर सामने वाला कभी उन्हें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसकी वजह से वो कभी किसी के मन में जगह बना ही नहीं पाते। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी आपको किसी को खुद को मिस करवाना हो या चाहते हो कि वो खुद आपसे बात करे या एफर्ट्स लगाए, तो बस इन सभी बातों का इस्तेमाल करना। सबसे पहले, हद से ज्यादा कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करना होता। हम ज्यादातर गलती यही करते हैं कि अगर कोई हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो भी हम लगातार कॉन्टेक्ट करते रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा या वो कभी ना कभी हमसे बात करेंगे। पर भाई, अगर आप लगातार कॉन्टेक्ट करते रहोगे तो उन्हें उस चीज का एहसास कभी होगा ही नहीं कि आपको भी वैल्यू देनी है। शुरू में आप अपनी साइड से थोड़े एफर्ट्स लगा सकते हो, पर फिर ये भी तो देखो कि उनकी साइड से क्या रिस्पॉन्स है, वो खुद कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऐसा करने से एक तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है और दूसरा उनके आपसे बात करने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद सामने वाला कई बार ऐसा भी बोलता है कि यार, हम ना दोस्त बन के रहते हैं, रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। भाई, पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उस इंसान के लिए जिसने किसी को बहुत दिल से फील किया है या जो किसी के साथ रियल में रहना चाहता है। अब जिसके साथ पहले रिश्ता बना लिया और फिर वो सोच रहा है कि दोस्त बन के रहते हैं, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कई लोग ऐसे रहने के लिए राजी भी हो जाते हैं जबकि उनका मन नहीं होता और ना ही उनसे ऐसे रहा जाता है। उसके बावजूद वो सिर्फ इसलिए कि बस सामने वाला उनके साथ रहे, तो दोस्त बन के रहने के लिए भी राजी हो जाते हैं। पर अगर आपको दिख रहा है कि वो सिर्फ अपनी चला रहा है और आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं हो रही, तो आपको एक बड़ा फैसला लेना होगा। और ऐसे रहने से अच्छा है कि आप स्पेस बना लो ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में क्या मैटर करती है। इसलिए अगर आप ऐसे सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते, तो आपको जबरदस्ती हाँ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है, बहुत ज्यादा नोटिस मत करो और अपने आप को बाकी एक्सपीरियंसेस में लगाओ ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो सके, आप भी अपने आप को काफी हील कर सको। कई बार जब आप उनको नोटिस करते रहते हो तो सामने वाला भी ये चीज देखता है और फिर वो कभी उस तरह से बात नहीं करता जैसा आप चाहते हो। इसीलिए कोशिश करो कि आप कुछ दिन सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखो। इसके बाद जब भी वो आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्स मत करो कि जैसे आप बहुत ही ज्यादा उनका वेट कर रहे थे। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो, अच्छे वे में ही बातचीत करो। कई बार जब कोई जिससे आप बात करना चाहते हो वो जब काफी दिन बाद बात करते हैं, तो फिर आपकी फीलिंग बढ़ने लगती है, और वो जब फिर से इग्नोर करते हैं या बात नहीं करते, तो आप फिर से यानी दोबारा हर्ट होते हो। तो कोशिश करो कि ये सब ना हो, आप शुरू में ही अपने आप को काफी कंट्रोल में रखो। इसके बाद है, अपने आप पर काम करते रहो। जैसे आप काफी परेशान हो जाते हो, काफी अकेला फील करते हो, तो कोशिश यही करो कि आप काफी ज्यादा खुद पर कंट्रोल कर सको। ये नहीं कि जो बातें आपको पहले हर्ट कर रही थी वही सब बातें आपको दोबारा हर्ट करती रहे या आप इस चीज से निकल ना पाओ। आपको बस लगातार अपने आप पर काम करना है, नई नई चीजें सीखनी है, यही सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी में काफी बदलाव करेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो वाकई आपको ऐसी सिचुएशन में डील करने में मदद करेगी और एक सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।